गाजा पट्टी में इसराइल के मंसूबे में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमास का सहयोगी हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला लगभग एक साल से इसराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला का साफ कहना है कि वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला से मिली मदद पर हमास प्रमुख याया सिनवार ने लेबनान के हिजबुल्ला के नेता सैयद हसन नसरल्ला को धन्यवाद दिया है। हिजबुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि अगस्त में सिनवार के हमास नेता बनने के बाद से ये पहला संदेश है। इसराइल हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से सिनवार सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहा। माना जा रहा है कि वो गाजा के नीचे सुरंगों से युद्ध की कमान संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान समर्थित समूहों के गठबंधन में हिजबुल्ला सबसे ताकतवर गुट है। ये गाजा युद्ध के दौरान हमास के समर्थन में मैदान में उतरा है। इस युद्ध में हिजबुल्ला अब तक इसराइल के सपनों पर पानी फेरने में सफल रहा है। लेकिन उसे भी भारी नुकसान हुआ है। इसराइल पिछले साल लगभग 500 हिजबुल्ला लड़ाकों को मार चुका है। इससे पहले जब 2006 में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भी इतने लड़ाके नहीं मारे गए थे। हमास प्रमुख सिनवार ने नसरल्ला को उनके एक पत्र के लिए धन्यवाद भी दिया, जिसमें उन्होंने हमास के सुप्रीम लीडर रहे इस्माइल हानिये की मौत पर संवेदना व्यक्त की थी। हानिये की जुलाई में ईरान में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में इसराइल का हाथ माना जाता है। इस बीच हाल ही में इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने मंगलवार को कहा कि इसराइली सेना गाजा में अपने मिशन को पूरा करने के करीब है और उनका ध्यान लेबनान सीमा पर रहेगा। इसराइली नेताओं ने कहा कि वे एक समझौते के जरिए युद्ध को हल करना पसंद करेंगे। इधर हिजबुल्ला का कहना है कि जब तक गाजा युद्ध जारी रहेगा तब तक वो लड़ाई जारी रखेगा। हालांकि इसराइल हमास जंग को लेकर इसराइल पर युद्ध विराम का काफी दबाव है और इधर अमेरिका भी सीज फायर के प्रयास में लगा है। युद्ध में शामिल इसराइल और हमास भी कुछ नरम दिख रहे हैं। ऐसे में संभावना भी जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीने में इस युद्ध के हलचल पर विराम लग जाए।